नमस्कार। इस वीडियो में आप पूर्वैश्वरीय दर्पण और इसके मुख्य लेखकों का एक सौंदिप्त सौंदर्य देखेंगे। ताडक दनमनडलखत वीडियो में आप प्राचीन ग्रीस में दर्पण के एडवकास के साथ साथ इस अवधि के प्रत्येक सबसे महत्वपूर्ण लेखक को समझ सकें। सौंदिप्त रूप से और व्यापक रूप से इस प्रकार सरी यूनानी दर्पण को समाहत करता है। ग्रीक दर्पण का जन्म एडरिया माइनर आयोडनिया के ग्रीक रहरों में हुआ था, जो तकव सुंगत डबचार या लोगों पर आयार रख था, जो प्रकृति दत्त पर के दित था, पूर्व सुकराती लोगों के पहले प्रतर बोम्बों से। लोगो एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक से लिया गया है और इसका अर्थ है ध्यान करना, प्रगट बोंडबत करना या तकव करना, और इसे विचार के रूप में ग्री समझा जा सकता है। पूर्व सुकराती दार्वडनकों का लक्ष्य एक तकव सुंगत व्याख्या के माध्यम से मेहराब या सरी चीजों का पहला तत्व वास्तविकता या ब्रहाओं का मूल आयार और कारण खोजना था। एक पदार्थ की खोज जो स्थायी थी, परवर्तन के खिलाफ दनरोंतर थी, उपखस्थड़क के खिलाफ सार की खोज बन जाएगी, दवरेश के खिलाफ सावर औडमक केडले, जो तब दार्वडनक व्याख्या की नियोम रखेगी। इस काल के पहले दार्वडनक अद्वैतवादी थे, अथावत उन्होंने वास्तविकता के एक ही डसदाउन या रोडतक आयार की खोज की। डमलेटस के पहले दार्वडनक थेल्स के अरस्तु के अनुसार आउंतरक समूही जानवरों के जीवाशों की खोज और इस तथ्य पर आयारत हैडक पानी दक्सीरी जीवत प्रारी के पोषर और डवकास केडले आवश्यक है। वह एक यूनानी दार्वडनक गडरतज्ञ दज्योमीटर रोडतक दवज्ञानी और दवियायक थे। वह वर्तमान तुकी में आयोडनियन तट पर खस्थत एक ग्रीक पोडलस डमलेटस में रहता था और मर जाता था। अरस्तु ने उन्हें डमलेटस स्कूल के आरों ताप के रूप में माना। डमलेटस केडक्स से उन्हें डुडनिया और ब्रहाओई की व्याख्या करने के लिए पौराडर कथाओं के उपयोग के साथ तोड़ने के डलेरी जाना जाता है। इसे प्राकृत दत्तक दसदांतों और परकल्पनाओं के माध्यम से प्राकृत दत्तक स्पष्टीकर के साथ बदल दिया जाता है और ग्रीक और पड़िमी वैज्ञान को और दार्वडन को द्वारा अटकलों का आरोप ताव माना जाता है। एनैक्सिमेंडर जो मानते थे डक वह असीमित या अदंडित था, ने स्केड परौन को बुलाया, दजस से प्रकृत दत्त के विपरीत उत्पन्न होते हैं, सबसे फले थोन या और गमक, उन्हें एक स्थलीय चाटव सुंकाउंडक और डवशुभ के माप का श्रेय दिया जाता है, जो दस्तारों की दूरी और आकार को दनियावरत करने का काम करता है और पुदष्ट करता है। डक पृथ्वी बेलनाकार है और ब्रहाओं के इमे है। एनैक्सिमेंडर केडले दस्दाउंट अपेरन है, यानी अडंडित अडंडित और अनोन सरी वास्तविकता केडने तत्ववाद का दस्दाउंट अडंडित होना चाढ़ाए और ठीक एड परौन इस सोमपड़ी को एक अमूतवत्री के सेडन ध्वस्ट करता है। एडपरौन राश्वत है, हमेरा सड़क्य है और अपनी गड़त में है, अथावत यह अपने आप चलता है। वह अमर अडवनारी अडवनारी और अडवनारी है और उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। सब कुछ बाहर चला जाता है और सब कुछ एक आवश्यक चक के अनुसार एडपरौन में वापस आ जाता है। दुड़निया मेंडवरोई पदार्थ वैसे अलग हो जाते हैं और जब एक दूसरे पर हावी हो जाता है तो एक प्रोडक्ट क्या होती है जो आवश्यकता अनुसार संतुलन बहाल करती है। एनैक्सिमेंडर केडले मूल पदार्थ वहवा था, एडपरौन के समान एक तटस्थ दसदाउन लेडकन गुरुओं के साथ। उन्होंने खाडक वायु गवर्लन और सोंघनन के माध्यम से अन्य चीजों में बदल जाती है। रेयर फिक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई डपोइया सामग्री कम सघन हो जाती है। दुलवर्ता आग उत्पन्न करती है जब डक सोनिए पर इसके विपरीत हवा बादल पानी पृथ्वी और पत्थर उत्पन्न करता है। अन्य सरी चीजें निनियों पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। पाइथागोरस ने थीरसस रखी डक सरी चीजें संख्यायो हैं, दजस का अथवा हैडक सरी चीजों का सार और संरचना उनके द्वारा व्यक्त संख्यात्मक सोम्बोलियों को ढू ऊंढ कर दनियावरत की जा सकती है। पाइथागोरस री परस्कार परंपरा का हिस्सा था, दजस में आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद मानव आत्मा के अन्य परूपों में स्थानांतरित होने की संभावना के बारे में उपन्यास दवचार थे। सोरफस्ट शब्द का सामान्य अथवा एक वैचारक चालवटन या बाजीगर से मिल खाता है। बयानबाजी के विशेषज्ञ जो प्राचीन ग्रीस में उद्दों के अथव को दस्खाने के लिए खुद को समर्पित करते थे, उन्हें सोरफस्ट के रूप में जाना जाता है। सोरफस्ट प्राचीन यूनानी दार्वडनकों का एक समूह था जो मुख्य रूप से पैसे के लिए बयानबाजी दस्खाते थे। हेराक्लिटस अपने ढस्से के डलय
ब्रहावी के समझदार बनने से डनपट्टा है और इस बनने के डबडनियमन दसदाउंट के रूप में डनियतकारर लोगों जहाँ तक यह डबरोयों को एकजुट करता है। वह एक पूर्व सुक्राती यूनानी दारवडंक थे जो वर्तमान तुकी मैडरिया माइनर के पड़िमी तट पर इओडनिया के एक रहर इडप्सुस के मूल डनवासी थे। हेराकिटस का काम पूरी तरह से कामोद्दीपक है। कामोद्दीपक एक वाक्य है जिसका उद्देश्य एक दवचार को सौंदित, सुसंगत और स्पष्ट रूप से दंडित तरीके से व्यक्त करना है। सूत्र एक दवचार को सटीक रूप से परसीमित करता है। उनेंद याकव वन ऑफ इडफसस और द डिवाइनर के रूप में इंग्री जाना जाता था। क्योंडक उनकी रैली एल्फी के दैवज्ञ के वाक्यों को सौंदर्यवत करती है और वास्तववक्ता को एक अस्पष्ट और भ्रमत करने वाले तरीके से पुनः पेर करती है। ऑक्सीमोरोन एओटीथर्सस और डवरोयारास का उपयोग करके एक दवचार देती है। यह ऑक्सीमोरोन बयानबाजी में साढ़ खत्यक आंकड़ों के रीतर एक ताड़कव का आखिरी दत्त है जिसमें एक ही अडरव्य खत मेंढवपरीत अथवा की दो अव्याराओं का उपयोग होता है जो एक तीसरी अव्यारा उत्पन्न करता है। चूंडक ऑक्सीमोरोन का राखबदक अथवा विपरीत बेतुका है। उदाहरण के डलय एक राश्वत तत्काल वाक्याउन में पाठक या वातावकार को रूपक अथवा को समझने के डलय मजबूर डकिया जाता है। इस मामले में यह एक पल है। डकस की तीव्रता के कारण अपने पाठ्यक्रम के दौरान दजया गया था। दजस से आप समय की यारा को खो देते हैं। इसके राग के डलय डवरोई दो डवपरीत या पूरक रब्दों के बीच का डवरोई है। यह डवरोयारास या एओटीलॉजी होने के नाते एक डवचार ताड़कव का रूप से डवरोयारासी हैया जो आम राय के डलय सही माना जाता है उसके डवपरीत है। बयानबाजी में यह डवचार की एक आखिरी दत्त है जिसमें ऐसे राव या वाक्यांशों का उपयोग होता है जो डवरोयारास का संकेत देते हैं। डवरोयारास मानव समझ की सीमाओं को प्रदर्वत करनारी सोन्व बनाता है। हेराकिटस के डलय वास्तववक्ता डनरोंतर पररवत्वन में है। प्रत्येक डवपरीत इसके डवपरीत की ओर जाता है। एक प्रज्ञा में लोगों के अनुसार माँ और माप के साथ अपने पूर्ववृत व्यों के तरीके में उन्होंने ब्रहावनी के दसदाउंत या नियोम के रूप में हमेरा जीवत आग की कल्पना की। हालाउंडक इसे सरी चीजों के एक घटक रोड़तक तत्व के बजाय राश्वत दवकास की छड़प के रूप में समझना। इसके डवपरीत एडलिया के परमेनाइस के गले वास्तववक्ता एक है और अपरवत्वनीय है। परमेनाइस एक यूनानी दारवडंक थे। उनका जन्म 530 ईसा पूर्व और 515 ईसा पूर्व के बीच गडरी इटली के मैग्ना क्रीटसया के एक यूनानी उपदनवेर एडलियार हर में हुआ था। जहां तक हम बचे हुए सबूतों से डंश कश्वडन काल सकते हैं, परमेनाइस की कड़वता दो रागों में डवराजक एक गदव्य रहस्योद्घाटन का प्रदत्तित्व करती है। पहला दवेव प्रुत से सोमबोंडित है, जहाँ यह क्या है या होने से सोमबोंडित है और कई तकों को उजागर करता है जो इसकी डवरेशताओं को प्रदर्वत करता है। यह पीढ़ी और भ्रष्टाचार के डले डवदेरी है और इस डले उत्पन्न नहीं होता है और अड़वनारी है। यह है केवल एक चीज जो वास्तव में मौजूद है। दजस के साथ वह डकसीरी चीज के अखस्तत्व को नकारता है। वह सजातीय गर्तहीन और परपूर्व है। दूसरा दवेव द ओरपडनियंस ऑफ मॉटवल्स से सोमबोंडित है, जहां यह दस्तारों के सोंडवियान और स्थान दवडर्न मौसम सोमबोई और रोगोडलक घटनाओं और मनुष्य की उत्पड़ी जैसे मुद्दों से सोमबोंडित है। एक पूर्व ब्रहांड सोमबोई दस्दाउंट का डनमावर करता है। परमेनाइस के डलय अखस्तत्व मौजूद है जब तक गैर खस्तत्व मौजूद नहीं हो है। एक बार यह स्थाड़पत हो जाने पर परर्वतवन या बनना असोन्व हैडक गैर खस्तत्व मौजूद नहीं हो है। दजस की असोन्वता तकव के माध्यम से प्रदर्वत होती है। इस थीर्सस के पी में उनके तकव प्लेटो द्वारा वास्तववक्ता के अपने द्वराजन को दो येत्रों में सही ठहराने के डलय उठाए गए थे, परर्वतवन का भ्रामक येत्र और स्थाड्यत्व का वास्तववक येत्र। अरस्तु अपने को सेतकव के तीन मूलरूत दसदाउंतों और तकव की कलाकोरी बचाएगा। परमेनाइस नेकारर को मानव सोचने या तकव करने की इंता के रूप में समझा, एक होने के आवश्यक गुरुओं की खोज के साइन के रूप में जो एक अपरवत्वनीय अडवराज्य अडंडम्बत अडवनारी और सजातीय है। परमेनाइस के डलय इंडियोम पर रोसा करना हमें योखे और प्रोडक्ट के मागव पर ले जाता है। अथावत राय का मागव वास्तव में क्या है, सिया है और यह कैसे है, यह केवल तकव के द्वारा ही हमारे सामने प्रकट किया जा सकता है।
इसके बाद कुछ दार्वडनको ने वास्तवकता की एक से अधिक नियम की खोज शुरू की। इन बहुलवादी दार्वडनको में पेयोकल्स सबसे अलग थे। इसने चार तत्वों के डसडाउन की स्थापना की जो 18वीं शताब्दी तक प्रकृति दत्त के दर्वन में कायम रहेगा। जल, अडग्न, पृथ्वी और वायु दजस से गर्तमान डसडाउन प्रेम और घृणा सारी चीजें बनाते हैं। अपने ढस्से के डलय एनाक्सगोरस ने कव दद्या डक सब कुछ छोटे रागों से बना है जिसे उन्होंने होमोमेरिया कहा। डट से नुस नामक एक खुरफया द्वारा आदेर दद्या गया था। परमारुवाडदेओनिस बसे महत्वपूर्व भूलवादी स्कूल का गठन डकिया। डजस का अरिस्टोटेलियन के बाद के रोडकी पर बहुत प्रभाव था। इसके संस्थापक ल्यूडस्पस और इमोडक्टस ने वास्तवकता की कल्पना दो प्रकार के ररक्त स्थान के रूप में की, एक खाली और एक पूर्व जो डक पदार्थ होगा। इराद्व परमारुओं से बना है, जैसा डक नाम से पता चलता है, अडवराज्य कर हैं। सरी दृश्यमान चीजें अपने अलग अलग रूपों के कारण एक साथ जुड़े हुए परमारुओं से बनी होती हैं। लेड़कन ये सोंग ररक्त स्थान में यादृच्छिक गणित के अनुसार टकराने से ही उत्पन्न होते हैं। अगला वीडियो प्राचीन ग्रीस के दर्वन राष्ट्र के ढांचे के रीतर राष्ट्रीय यूनानी दर्वन राष्ट्र सोरफस्ट सुकरात लेटो और अरस्तु का इलाज दकिया जाएगा। इतिहास और आर्डर कथाओं और दर्वन के और वीडियो देखने के डले वीडियो के डवरर में मेरे चैनल पर जाएं।